हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो आज हम लोग फाइव बिंदु से श्री राम जी का चित्र बनाएंगे। तो पहले एक बिंदु लगाएंगे, फिर उसके बिल्कुल बराबर में एक बिंदु लगाएंगे, फिर उसके नीचे एक बिंदु लगाएंगे, फिर उसके नीचे एक बिंदु लगाएंगे, और थोड़ा सा नीचे करके हम एक बिंदु लगाएंगे। ठीक है, इससे हम श्री राम जी का चित्र बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं श्री राम जी का चित्र बनाना। यहां से हम ऐसे को ले जाएंगे, ऐसे हम ले जाके इसको घुमा देंगे, और यहां भी हम ऐसे ले जाके घुमा देंगे, और इसी को हम डबल कर देंगे, यहां ले जाएंगे और फिर ऐसे ले जाएंगे, इसको हम डबल कर देंगे, फिर यहाँ एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, हाफ सर्कल बनाएंगे, फिर उसको हम डबल कर देंगे, ये हमने डबल कर दिया। और क्या करेंगे कि उसके बाद से यहाँ से हम एक सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और इधर ऐसे करेंगे, हम ऐसे लेके आएंगे, ये मेरा हाफ सर्कल बन गया। उसके बाद से यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ ऐसे हम लकीर खींच देंगे, थोड़ा सा हल्का सा घुमाते हुए एक लकीर खींच देंगे, और यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, और यहाँ पर भी। उसके बाद से बीच में सर्कल बनाएंगे छोटा सा। उसके बाद से यहाँ से हम एक ऐसे लकीर खींचेंगे, ऊपर ले जाके चिपका देंगे, और यहाँ से एक लकीर खींचेंगे और ऊपर ले जाके चिपका देंगे। ये श्री राम जी का हम ताज बना रहे हैं, जो अपने सर में हमेशा पहन के श्री राम जी रखते थे। उसके बाद से हम यहाँ से हाफ हाफ सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे को हाफ हाफ सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक बन गया। उसके बाद से फिर से हम यहाँ हाफ हाफ सर्कल बनाएंगे, ऐसे करते हुए इधर भी हम हाफ हाफ सर्कल बना देंगे, और ये ले जाके इसमें चिपका देंगे। उसके बाद से हम अभी यहाँ पे जो पॉइंट हमने लगा के रखा था, उसको हम यहाँ एक बड़ी सी लंबी लाइन खींचेंगे और नीचे वाले पॉइंट में लाके चिपका देंगे, और इधर भी यहाँ से एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और नीचे पॉइंट में चिपका देंगे। फिर उसके बाद से यहाँ से इस पॉइंट से घुमाते हुए ले जाएंगे, हल्का सा घुमाएंगे और इस पॉइंट में चिपका देंगे, और सेम इधर हम करेंगे, इधर लाएंगे और हल्का सा घुमाएंगे और नीचे वाले पॉइंट में चिपका देंगे। तो ये श्री राम जी का फेस बन रहा है। तो अभी हम लोग श्री राम जी का आंख बनाएंगे, यहाँ से आंख बनाएंगे ये, और ये थोड़ा सा डार्क कर देंगे, और इधर भी आंख बनाएंगे, और ये थोड़ा सा डार्क कर देंगे, और यहां हम भौं बनाएंगे श्री राम जी का, ये। उसके बाद से श्री राम जी के मत्थे पर तिलक बनाएंगे, ये तिलक बनके रेडी हो गया। और अभी हम क्या करेंगे कि श्री राम जी का नाक बनाएंगे, ये थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे लंबी सी, उसके बाद से ऐसे घुमाएंगे और नीचे ऐसे घुमाएंगे, फिर उसके बाद से
ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। और अभी हम श्री राम जी का होंठ बनाएंगे, तो ये श्री राम जी का फेस बनके रेडी हो गया दोस्तों। तो और अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम कान बनाएंगे और उसके बाद से बाल बनाएंगे। तो यहाँ पहले हम कान बनाएंगे और दूसरी साइड भी हम कान बनाएंगे और उनके कान में हम कुछ पहनाते हैं। यहाँ भी हम उनके कान में एक छोटा सा बना दिया हमने, पॉइंट लगा दिया जिससे कि वो कान में लगे कि कुछ पहन रखे हैं। इधर भी ऐसा ही करेंगे सेम, ये हो गया। और उसके बाद से हम यहाँ एक लकीर खींचेंगे जिससे कि उनका गर्दन बने, ये हो गया। उसके बाद से यहाँ हम यू जैसा आकार देंगे, हाफ, बिल्कुल हाफ सर्कल बनाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल हम सेम वैसा ही डबल कर देंगे। और उसके बाद से हम यहाँ हाफ हाफ सर्कल बनाएंगे, ये, और उसके बाद इस लाइन को हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और उसके बाद इधर भी हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। और यहाँ से अभी हम श्री राम जी का बाल बनाना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा तिरछा ले जाएंगे और जिससे कि ये श्री राम जी का बाल बनके तैयार हो रहा है। इधर भी हम श्री राम जी का बाल बनाएंगे बिल्कुल सेम जैसा इधर हमने किया वैसे ही इधर करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा चित्र बनके रेडी हो रहा है ना दोस्तों। उसके बाद से यहाँ एक लकीर खींचेंगे, यहाँ एक लकीर खींचेंगे और यहाँ भी। बाद से हम श्री राम जी के गले में एक माला पहनाएंगे बड़ा सा, ऐसे तिरछा ले जाते हुए। इसको डबल कर देंगे हम। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और ये बताइएगा कि दशहरे में श्री राम ने किसको मारा था। और यहाँ पर हम श्री राम जी का धनुष बनाएंगे। इसको डबल कर देंगे यहां। श्री राम जी अपने पीठ पर बाण रखते थे तो यहां हम बाण बनाएंगे, ये उनकी बाढ़ की रखने की जगह है। तो दोस्तों श्री राम जी का चित्र बनके रेडी हो गया है और आप लोग इसके नीचे श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसमें अभी हम कलर करेंगे, तो चलते हैं कलर करते हैं।